गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास ऑफ सौरभ सर। आज हम क्लास जो आपका सेवेंथ है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, लेसन 3 है, जिसका नाम है द बॉय हु क्राइड वोल्फ। द बॉय लड़का जो वोल्फ हर समय क्या कहता था, भेड़िया आया भेड़िया आया। ये कहानी आपने अपने घर में भी सुनी होगी या नैतिक शिक्षा की कहानियों में भी आपने पढ़ा होगा कि द बॉय हु क्राइड वोल्फ, एक जो लड़का जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया करता था, अर्थात झूठ मूठ कहता था। भेड़िया होता नहीं था लेकिन वो क्या कहता था, वोल्फ आ गया भेड़िया आया। तो सब लोग क्या करते थे, दौड़े दौड़े चले आते थे, लेकिन फिर वो हंसकर कहता था कुछ नहीं था। ठीक है, तो अंत में उसके साथ क्या होता है आइए हम जानते हैं। तो पाठ का नाम है आपका द बॉय हु क्राइड वोल्फ, लड़का जो वोल्फ चिल्लाता था, भेड़िया भेड़िया कहा करता था। वन ऑफ द बॉय इन अ विलेज वॉज सेंट आउट इन टू द फील्ड टू लुक आफ्टर द शीप। वन ऑफ द बॉयज इन ए विलेज, गांव के लड़कों में से एक को वाज सेंट आउट इन टू द फील्ड, उसको खेतों में भेज दिया गया टू लुक आफ्टर द शीप, वो ताकि वो भेड़ों की देखभाल करे। तो एक गांव के एक लड़के को भेड़ों की देखभाल करने के लिए जंगल में या खेतों में भेज दिया गया। गो एंड टेक केयर ऑफ दी शीप्स एंड डोंट लेट देम स्ट्रे। गो एंड टेक केयर ऑफ दीज शीप, जाओ और इन भेड़ों की देखभाल करो। एंड डोंट लेट देम स्ट्रे, और इन्हें खाली विचरने मत देना। डोंट लेट देम स्ट्रे, इनको खाली विचरने मत देना, अर्थात इनके पीछे रहना। ये नहीं कि भेड़े चर रही हैं और तुम मस्ती काट रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, ये सब ठीक नहीं, इन्हीं के साथ रहना। सेड द विलेजर्स टू हिम, गांव वालों ने उससे कहा, रिमेंबर याद रखो, डोंट गो फार अवे, एंड इफ सी ए वोल्फ कमिंग आउट नियर द शीप, शाउट आउट वोल्फ एज लाउडली एज यू कैन, वी विल कम एट वंस टू हेल्प यू। रिमेंबर याद रखना, डोंट गो फार अवे, ज़्यादा दूर मत जाना। इफ यू सी ए वोल्फ कमिंग आउट नियर द शीप, यदि तुम्हें, इफ यू सी ए वोल्फ कमिंग आउट नियर द शीप, अगर तुम्हें भेड़ों के पास से भेड़िया निकलते हुए दिखाई दे, शाउट आउट बोल, तो चिल्लाना भेड़िया एज लाउडली एज यू कैन, इतनी तेजी से जितनी तेज तुम चिल्ला सकते हो। तो यदि तुम्हें भेड़ों के पास से कोई भेड़िया निकलता हुआ देखो तो तुम शाउट आउट बोल, तो तुम भेड़िया भेड़िया कहकर चिल्लाना, इतनी तेज चिल्लाना जितनी तेज तुम चिल्ला सकते हो। दे विल कम एट वंस टू हेल्प यू, हम तुरंत आ जाएंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। ऑल राइट सेड द बॉय, लड़के ने कहा ठीक है, आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा, केयरफुल मीन्स सावधान। सो एवरी मॉर्निंग ही ड्रॉप शीप आउट द हिल साइड, इसलिए प्रत्येक सुबह वो लड़का उन भेड़ों को लेकर हिल साइड पहाड़ी की ओर जाता था। एंड वॉच देम ऑल डे, और उन्हें पूरा दिन देखे रहता था। बट सून द बॉय गॉट टायर्ड ऑफ वॉचिंग शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, बट लेकिन सून द बॉय गॉट टायर्ड, लेकिन शीघ्र ही बच्चा जो लड़का था वो थक गया आप वॉचिंग शीप्स ग्रेजिंग, भेड़ों को चरते हुए देखकर। तो भेड़ों को चरते हुए देखकर वह लड़का शीघ्र थक गया। नथिंग हैपेंड एंड वोल्फ केम, कुछ नहीं हुआ, एंड नो वोल्फ केम, और भेड़िया भी नहीं आया। ही थॉट ऑफ हैविंग सम फन, तो उसने कुछ
मजे करने की बात सोची, ही थॉट ऑफ हैविंग सम फन, तो उसने कुछ मजे करने की बात सोची। सो ही स्टूड अपॉन माउंट एंड बिगन शाउटिंग एज लाउडली एज ही कुड, वोल्फ वोल्फ। सो ही स्टूड अपॉन अ माउंट, तो वह एक टीले पर बैठ गया, माउंट मीन्स टीला होता है। सो ही स्टूड अपॉन माउंट, तो वह टीले पर बैठ गया एंड बिगन शाउटिंग, और चिल्लाना शुरू कर दिया एज लाउडली एज ही कुड, जितना तेजी से वो चिल्ला सकता था, भेड़िया भेड़िया। द मैन वर्किंग इन द फील्ड हर्ड हिम एंड एट वंस दे केम रनिंग विद देयर स्टिक्स, वोल्फ वोल्फ। द मैन वर्किंग इन द फील्ड, जो आदमी उन खेतों में काम कर रहे थे, हर्ड हिम, उन्होंने सुना, उन्होंने उसको सुना, एंड एट वंस दे केम रनिंग विद देयर स्टिक्स, और तुरंत ही वे अपनी स्टिक माने छड़ी लेकर उसके पास आ गए, वोल्फ वोल्फ। शाउटेड द बॉय एंड द विलेजर रैन फास्टर, लड़का चिल्ला रहा था भेड़िया भेड़िया, और गांव वाले तेजी से दौड़ रहे थे। एट लास्ट दे गेम अप टू द हिम आउट ऑफ ब्रीथ, इसके बाद अंत में वे उसके पास आए, आउट ऑफ ब्रीथ माने हाँफते हुए, इसके बाद वे हाँफते हुए उसके पास आए। वेयर इज द वोल्फ दे पैंटेड, वेयर इज द वोल्फ, भेड़िया कहाँ है, भेड़िया कहाँ है, उन्होंने पूछा, वो चिल्लाए। देर इज नो वोल्फ, लाफ द बॉय एंड सेड, देर इज नो वोल्फ, कोई भेड़िया नहीं है, लाफ द बॉय एंड सेड, लड़का हंसा और उसने कहा, आई शाउटेड ऑनली फन, मैं तो केवल मजे के लिए चिल्ला रहा था, एंड इट वॉज क्वाइट फनी टू सी यू ऑल रनिंग फॉर नथिंग, एंड इट वॉज क्वाइट फनी, और यह बड़ा आनंददायक है, टू सी यू, तुम लोगों को देखकर, ऑल रनिंग, तुम सबको दौड़ते हुए देखकर, फॉर नथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए, मतलब जो चीज़ नहीं है उसके लिए दौड़ते हुए देखने में, देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।